नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकी बच्चा पैदा करने का शुभ मुहूर्त या बच्चा पैदा होने का जो मुहूर्त होता है वो कौन सा होता है। क्या आप लकी बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं? यदि आप शादीशुदा हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जिससे कि आपके घर में लकी पैदा हो सके? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे भी कपल मेरे पास आते हैं जो कि डिलीवरी के टाइम पर आते हैं। वो बोलते हैं कि सर, अभी वो मुझे डेट्स बताते हैं कि सर ये डेट्स हमारे पास, इसमें आप बताइए कि कौन सी डेट हमारे लिए बच्चा जो हम सर्जरी करें डिलीवरी के लिए कौन सी बेस्ट डेट होने वाली। ये सब ध्यान में रखते हुए मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ये जो हम बच्चा प्लान करते हैं और उसका जो समय होता है वो हमें कौन सा देखना चाहिए, डिलीवरी का टाइम देखना चाहिए या फिर जब आप प्लान करते हैं उस दिन देखना चाहिए। इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि आप अच्छे बच्चा पैदा करने के लिए प्लान कर सकते हैं और जो डिलीवरी है वो तो सेकेंड फेज है, उससे जो पहला जो फर्स्ट फेज जो होगा वो दूसरा होता है, वही मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, और यदि आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में जो आप प्लान कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो 100% लकी पैदा होगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। लेकिन उसके लिए मेरे द्वारा बताई गई जो भी मैं यहां पर आपको रेमेडीज बताऊंगा या मैं जिस प्रकार से आपको चीजें बताऊंगा, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जितने प्रतिशत आप मेरी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उतना बच्चा मेरी भविष्यवाणी और जो बच्चा आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें उतने ही प्रतिशत मैं कहूंगा कि सत्य साबित होने वाली है। तो मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और यदि हमारे घर में कोई संतान आने वाली है तो वो कैसे संतान पैदा हो, उसके संस्कार क्या हो, और जब बच्चा पैदा हो तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत में हमने सुना है जब अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र थे वो गर्भ के अंदर थे, तो उनको सलाह दी गई कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, यानी कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तभी वो सारे चीजें जो आपके मन के अंदर उसके माता पिता के विचार होते हैं, उनके जो संस्कार होते हैं, उनके आसपास का जो माहौल होता है, बच्चा क्या कर रहा होता है वो सब धारण कर रहा होता है, इनके सब कुछ सुन रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा आपके घर में पैदा होगा वो जिस दिन उसकी डिलीवरी होगी उसका जो ब्रेन डेवलप हुआ है वो उस दिन नहीं हुआ, वो बहुत पहले से 9 महीने से पहले से चल रहा है। जबकि मैं इसके भी परे जाने की बात करता हूं, जैसा कि मैं हमेशा बोलते हुए आया हूं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर, और न केवल हिंदू धर्म के अंदर, अभी सभी धर्म यह मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म होता है। यदि पुनर्जन्म होता है तो वो जो आत्मा इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जब जाती है और वो नेक्स्ट बर्थ लेती है, उसका आधार क्या होता है, वही मैं यहाँ पर आज चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि यदि आपने इस थ्योरी को समझ लिया, यदि इस सत्य को समझ लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी परेशानियां या जो आपके मन के अंदर जो प्रश्न हैं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। क्योंकि यदि हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे और हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि हमारे घर में बच्चा जो पैदा हो गया वो लकी नहीं है, अनलक्की है, उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं है, या फिर हम तो ऐसे नहीं है, हमारे घर में बच्चा ऐसा क्यों हो गया, उसके पीछे की पूरी थ्योरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने जो महाभारत का आपको उदाहरण दिया, अभिमन्यु का जो उदाहरण दिया, वो हम सब, क्योंकि जो जिन्होंने महाभारत पढ़ी है जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो सब जानते हैं। और अब तो वेस्टर्न जो लोग हैं वो भी पुनर्जन्म की थ्योरी को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। तो होता क्या है, ये मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा, थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी लंबी ये वीडियो हो सकती है लेकिन आपको ध्यान से सुनना चाहिए।
होता क्या है कि ये जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि जो सोल होती है, वो जिस शरीर के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिन रिलेटिव्स के अंदर वो कंफर्ट फील करती है, वो ढूंढती रहती है। यानी कि मृत्यु होने के बाद, सोल 11 दिन के बाद वो पुनर्जन्म लेती है। यानी कि जो एक सामान्य जो आत्मा होती है, वो कुछ दिनों के बाद ही, 11 दिन के बाद, 13 दिन के बाद, वो बहुत ही जल्दी वो शरीर ढूंढ रही होती है। यानी कि वो माता पिता ढूंढ रही है। और जहां भी बच्चा पैदा करने की जो प्लानिंग चल रही होती है, उस समय जो क्रिया होती है बच्चा पैदा करने की, उस समय जहां भी वो आत्मा कंफर्ट फील करती है, वहां पर वो प्रवेश कर जाती है। अब वो उसने जो चुना, यानी कि वो जो माँ बाप चुने, वो क्यों चुने? वो इसलिए चुने कि उस आत्मा के पूर्व जन्मों के अंदर जिस प्रकार का उसके संस्कार थे, उसका कर्म था, और जैसे उसके अंदर कोई, मैं कहूंगा कि जो जिस प्रकार की भी इच्छाएं उसकी थी, जिस प्रकार के भी उसके डिजायर्स थी, वो ढूंढती है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये मुझे किस माँ बाप के पास मिल सकती है। इसलिए वो घूमती रहती है, और जैसे ही उसको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल रहूंगी, वो आत्मा, उसको लगता है कि मैं यहाँ कंफर्टेबल रहूंगी, तो वो उस गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो वहां पर कंफर्टेबल फील कर रही है। इसी प्रकार से मैं दूसरी बात कहूंगा कि माता पिता के जैसे विचार होते हैं, उनके जो संस्कार होते हैं, उसी के आधार पर जब वो बच्चे की प्लानिंग करते हैं, उनकी जो उस समय की जो सोच होती है, मेंटलिटी होती है, मानसिक स्थिति होती है, वो उनकी मानसिक स्थिति और एक पर्टिकुलर जो भी सोल इस लोक में विचरण कर रही है, घूम रही है, दोनों को जरूरत है। उस सोल को जरूरत है कि उसको एक शरीर चाहिए, एक कोख चाहिए, एक गर्भ चाहिए। इसी प्रकार से जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको एक आत्मा चाहिए। तो जब भी दोनों का मिलन होता है, यानी कि जो दोनों का, मैं कहूंगा कि एक प्रकार से दोनों की मैचिंग हो जाती है, जहां दोनों कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वहां पर वो प्रवेश कर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो उस समय पति पत्नी दोनों के विचार जैसे भी होंगे, सात्विक होंगे, तामसिक होंगे, राजसिक होंगे, या जैसे भी उनके विचार होंगे, उनकी मानसिक स्थिति होगी, और न केवल जब वो आत्मा प्रवेश कर रही है तब से नहीं, उससे पहले से, और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक उनके विचार अच्छे नहीं होंगे, यह मैं कहूंगा कि जैसे भी विचार उनके होंगे, उनके घर में वैसी ही संतान पैदा होगी। हमको लगता है कि किसी घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब लक्की बच्चा पैदा होता है, उसके आने से बहुत खुशियां आती हैं, घर में शुभ समाचार मिलने शुरू होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे घर में एक लक्की बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उस लक्की बच्चे को पैदा करने के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। जिन घरों में लक्की संतान पैदा होती है, इसका मतलब है कि उनके माँ बाप के विचार उस समय जब वो गर्भधारण से पहले और डिलीवरी के टाइम तक अच्छे रहे होंगे, तो अच्छी सोल वहां पर प्रवेश कर जाती है। इसके विपरीत, यदि माँ बाप के विचार तामसिक, नेगेटिव,
और पति पत्नी के बीच में कलह, आपसी मतभेद होना, जितने भी प्रकार के नेगेटिव मैं कह सकता हूं कि चीजें हो सकती हैं, यदि उनके बीच में इनमें से ज्यादातर है या कुछ है, जो भी उनकी मानसिक स्थिति डोमिनेट करेगी, उसी प्रकार की आत्मा उनके घर में गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और जब बच्चा पैदा होगा तो उसका व्यवहार वैसा ही होगा। मेरा यह अनुभव रहा है कि जिन घरों में दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं या फिर जिनके अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, यानी कि कमियां होती हैं, मैंने जो उनको स्टडी किया है, उनके पेरेंट्स की लाइफ को, मेरा अनुभव है कि उनके माता पिता के बीच में, क्योंकि ये जो अनुभव है मेरा, ये उनके पेरेंट्स से बात करने के बाद पता चला, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और स्पिरिचुअल जो स्टडी है उसका अध्ययन कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए मुझे जो भी क्लाइंट्स मिलते हैं उनसे जो मैं चर्चा करता हूं, उनको मैं जो सलाह देता हूं, उसके आधार पर जो मेरा अनुभव बना, तो मैंने पाया कि उनके घर में ज्यादातर जो बच्चे पैदा हुए वो वैसे ही पैदा हुए जैसे उनके मां बाप की मानसिक स्थिति रही। ये मैंने उनसे चर्चा करने के बाद अनुभव किया। इसलिए ये मैंने जो निष्कर्ष निकाला कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में उत्तम संतान पैदा हो, सौभाग्यशाली संतान पैदा हो, यशस्वी संतान पैदा हो, तो सबसे पहले, जो कि हिंदू धर्म के अंदर गर्भाधारण का एक संस्कार होता है, मैं उसी के आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि पति पत्नी जब प्लान करें, उनके विचार, वो जैसे भी संतान चाहते हैं, यानी कि जैसा भी बच्चा चाहते हैं, उस प्रकार से उनको व्यवहार करना चाहिए। ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, गोचर आदि, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो सोल आपके घर में आने वाली है वो आपके विचारों पर ही निर्भर करती है। ग्रह, नक्षत्र, दशा, गोचर आदि सेकेंडरी है। ये मैं बड़ी बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो अशुभ मुहूर्त में पैदा हुआ, जिसके कारण उसको परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, परेशानी का कारण हम स्वयं हैं। जो आत्मा आपके घर में पैदा हुई, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, यदि उसने आपके घर में आके परेशानियां उठानी है तो ये उसके कर्म है, क्योंकि उसने आपको चुना। इसी प्रकार से माता पिता, क्योंकि आपके भी विचार ऐसे रहे होंगे माता पिता के कि उन्होंने उस संतान को चुना, तो सबसे पहले हमको अपने, यदि घर में उत्तम संतान चाहिए तो अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा
तब हमको अच्छी संतान पैदा हो सकती है। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पर। मुझे आशा है कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं इसको दोबारा से एक लाइन में बोलूंगा, जैसी आत्मा होगी, जैसे उसके विचार होंगे, जैसे माता पिता के विचार होंगे, पति पत्नी के विचार होंगे, वो दोनों मिलकर अपना एक परिवार बना लेंगे। यानी कि वो आत्मा उस घर में प्रवेश कर जाएगी माता पिता के रूप में और बच्चे के रूप में वो एक घर में आ जाएंगे। इसलिए अपने विचारों के ऊपर आपको बिल्कुल नियंत्रण रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आपको कैसी संतान चाहिए, एक बात। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, जो कि मैं हमेशा कर्म की थ्योरी बताता हूं। हमको अच्छे कर्म करते हुए, क्योंकि मान लो आप वो 9 महीने चूक गए किसी कारणवश, आपके विचार क्योंकि प्रोफेशनली, सोशली, फैमिली बैकग्राउंड और आपके जीन्स क्या हैं, इसके आधार पर हर व्यक्ति की मानसिक विचारधारा बनती है। लेकिन क्योंकि कर्म की थ्योरी ईश्वर ने, कुदरत ने हमको दिमाग दिया है, तो हमको इस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी बेस्ट हो सकता है हमारे लिए उसके आधार पर हमको आगे कर्म करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि गर्भधारण हो गया, अब डिलीवरी होने वाली है, तो क्या कर सकते हैं कि डिलीवरी के लिए जो टाइम होता है, यदि सर्जरी है उसमें ही ये चीज निश्चित होती है, यदि नेचुरल डिलीवरी है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता। करना क्या है, सबसे पहले शुभ मुहूर्त, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो उसका लग्न क्या हो, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं, नक्षत्र क्या हो, तिथि क्या हो, और जो भी अशुभ योग उस पर्टिकुलर समय में बनते हैं उनको हटाते हुए, यानी कि उनको बचाते हुए डिलीवरी होनी चाहिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर लगन के अंदर पैदा हुआ बच्चा दूसरे लगन से या राशि से भिन्न होता है। यदि आपके पास डॉक्टर ने आपको बोला है कि सर्जरी से बच्चा पैदा होगा, तो हम मनपसंद लगन और शुभ ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी करानी चाहिए। क्योंकि एक लगन लगभग 2 घंटे का होता है, तो उस पीरियड में डिलीवरी होगी, सर्जरी होगी, तो इस दुनिया में जो बच्चा आएगा वो शुभ नक्षत्र में पैदा होगा और उसको जो पहली जो उसकी श्वास चलेगी इस दुनिया में वो शुभता की ओर चलेगी, उससे उसको एनर्जी मिलेगी। उसका जो इंट्रोडक्शन होगा इस दुनिया में वो वेलकमिंग होगा, उसका मन खुश रहेगा, वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा, उसको अच्छा लगेगा, और जब वो अच्छा फील करेगा तो जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां उसके जीवन में होने वाली है। ये बहुत बड़ा, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है वो कभी भी डॉक्टर के कहने पर
जब भी डॉक्टर को लगता है कि एक कन्वीनियंट टाइम है वो डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन मेरे पास मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि शुभ मुहूर्त के लिए आते हैं, और मैं उनको एक ही बात कहता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताई है कि ठीक है मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अब बच्चे को डिलीवरी के लिए शुभ लगन, नक्षत्र, दशा गोचर, तिथि और राहु काल आदि जो भी अशुभ मतलब हमारे यहां पर चलता है उसको बचाते हुए बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, बेस्ट डिलीवरी का टाइम क्या हो सकता है, और उसके आधार पर जो डिलीवरी हुई उनके माता पिता आज कई वर्षों के बाद भी काफी खुश हैं और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ। एक बात मैं और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि आप बच्चे को प्लान करते समय आप कैसा बच्चा चाहते हैं। यदि आप उस समय उस तरह की पुस्तकें पढ़ें, उस तरह की जो भी मैं कहूंगा कि आपके जो विचार हों उस पर विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता रहा हूं। यदि आपने ऐसा कर लिया, क्योंकि महाभारत के अंदर अभिमन्यु चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है वो सब गर्भ के अंदर ही सीख गया, और यदि ऐसा है तो आप भी एक ये प्रयोग अवश्य करें, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। उसकी मैं जो टेक्निक आपको बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। जब भी मेरे पास इस प्रकार के प्रश्न लेकर आते हैं मैं उनकी जन्म कुंडली के आधार पर, उनके जीन्स के आधार पर, उनके प्रोफेशन के आधार पर, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनको एडवाइस करता हूं, उनसे चर्चा करता हूं कि भाई आप किस प्रकार की संतान चाहते हैं, और डिस्कस करने के बाद फिर मैं उनको प्लानिंग समझाता हूं कि कब बच्चे का प्लान करें, गर्भधारण कब करें, उसके लिए मैं शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र, दशा गोचर आदि के आधार पर निकालकर उनको देता हूं कि इस पर्टिकुलर समय में यदि आप गर्भधारण करेंगे, क्योंकि बीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, फल वही आएगा जो आपने बीज डाला है। तो उसके आधार पर बीज मजबूत होना चाहिए, बीज लक्की होना चाहिए, शुभ समय में होना चाहिए। यदि बीज हो गया फिर उसको क्या करना है, आपको सिर्फ सींचना है, और सींचने का काम आपका गर्भधारण के अंदर जो 9 महीने होते हैं फिर मैं उनको बताता हूं कि किस प्रकार का बच्चा आप चाहते हैं। वैसे ही आप लिटरेचर पढ़ें, टीवी देखें, हालांकि मैं टीवी में ये बोलता हूं कि 9 महीने आप कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें उस पीरियड में, यदि आप चाहते हैं उत्तम स्वास्थ्य वाली संतान आपके यहां पर पैदा हो। लेकिन आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं, और जिस प्रकार की भी संतान आप चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। दोस्तों ये मैंने बताया कि उत्तम संतान पैदा करने के क्या नियम हो सकते हैं, ज्योतिष वास्तु के आधार पर, भाग्य के आधार पर और हमारे कर्मों के आधार पर।
यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप मेरी बताई गई इन चीजों पर विचार करें। यदि आपको मेरी सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए आपसे बैठकर बात करके मैं बताऊंगा कि आपके परिवार में जैसी संतान आप चाहते हैं वो कैसे आपके घर में आ सकती है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और आध्यात्म से संबंधित विषयों को लेकर मैं वीडियो बनाता हूं। जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या, उसका समाधान क्या हो सकता है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और जब भी आपको लगेगा कि एक आपको स्पिरिचुअल, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी आदि की जरूरत है तो मेरे वीडियो में, मेरे YouTube चैनल में आपको वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जो भी आपके परिवार में, दोस्तों में, जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जिनकी आपको लगता है कि उसकी हेल्प होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे हमारे विचार होते हैं, यदि हम दुनिया में खुशियां बांटेंगे, अच्छाई बांटेंगे, तो नेचर वो खुशियां हमको किसी ना किसी रूप में वापस आएगा। ये शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल मैं कहूंगा कि एक नियम है कि जो चीज हम दुनिया को देंगे, जो भी विचार, चाहे वो एक्शन से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, जो भी हम देंगे वो लौट कर आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को शेयर करें अपने अन्य मित्रों को, जिससे कि उनके जीवन में भी उनको लाभ प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।